आप सभी का स्वागत है। मैं आज बना रहा हूँ रेड सॉस पास्ता। तो चलो अभी हम घर में रेड सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं हम आपको आज दिखाएंगे। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा है, देख सकते हैं आप। कुछ वेजिटेबल्स लेंगे, गाजर, ब्रोकली, शिमला मिर्च। आप इसके जगह लाल और पीले वाली शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। मिक्स हर्ब, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा ऑनियन, और कुछ हमने सॉसेस लिया है जिससे टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस और डार्क सोया सॉस। और इसके अंदर हम थोड़ा सा टमाटो प्यूरी भी ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक। अगर आपको अजिनोमोटो यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है। तो हम इसको अजिनोमोटो को हम यूज़ नहीं कर रहे। सबसे पहले हम डालेंगे बटर। हम कुछ वेजिटेबल्स हैं उसको हम सॉटे करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। सब्जी जो है हमारी ये सॉर्टेड हो चुकी है, अब हम इसको निकालेंगे। अब हम बनाएंगे रेड सॉस। सबसे पहले डालेंगे लहसुन, अब डालेंगे हम ओनियन, ओनियन को हम हल्का सा भून लेंगे। ओनियन को ज़्यादा नहीं पकाना है आपको। इसके अंदर हम थोड़ी सी देखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और अब हम डालेंगे टमाटर, अब हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ सॉस। सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस, टमाटो सॉस। अब डालेंगे हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और मिक्सर। हमारा रेड सॉस बनके रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल्स। और डालेंगे पास्ता और स्वाद अनुसार नमक। अगर आज की हमारा जो रेड सॉस पास्ता बनाना अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।